क्या चीजें इस बार अध्यक्ष जी खुद आए थे हॉल में और वो बता के गए हैं कि सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन थोड़ा अच्छी रखिए, तो उसी तरह इंटरव्यू आधारित था। पहले ऑप्शनल नहीं था, अच्छा ही था, क्योंकि जो है जो बाहर से अधिकारी आते हैं उनको इम्पोज किया जाता है, तो उनको रूरल बैकग्राउंड पर इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, लोकल कंडीशन के बारे में जानकारी नहीं रहती। तो अभी जो हम लोग स्पेशल नॉलेज लेके जा रहे हैं, तो वो नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इसमें बहुत चर्चित परीक्षा यूपीपीसीएस 2023 का इंटरव्यू चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए, आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो इस बार यूपीपीसीएस 2023 में ऑप्शनल नहीं था, उसको लेकर के आप क्या कहना? ऑप्शनल नहीं था, अच्छा ही था, क्योंकि जो है जो बाहर से अधिकारी आते हैं उनको इम्पोज किया जाता है, तो उनको रूरल बैकग्राउंड पर इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, लोकल कंडीशन के बारे में जानकारी नहीं रहती। तो अभी जो हम लोग स्पेशल नॉलेज लेके जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगी। सर आपका नाम? अनिकेत प्रताप सिंह। अच्छा, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड और होम टाउन डिस्ट्रिक्ट है? मेरा मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स है मेरा, और इकोनॉमिक्स से था। अच्छा। और मेरा होम टाउन रायबरेली है। सर आपका माध्यम कौन सा है? माध्यम मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश है। सर ये कौन सा अटेम्प्ट था इंटरव्यू को लेकर के और मेंस? नहीं, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट इंटरव्यू को था, मेंस को लेकर के? नहीं, मेंस भी पहला ही। अच्छा, मेंस भी पहला ही था। बहुत ही बड़ी बात है, इस बार काफी अच्छे अच्छे लोगों ने प्री नहीं क्वालीफाई कर पाए। सर ये जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे गए, क्योंकि ऑप्शनल था नहीं, तो क्या क्या चीज़ें? इस बार अध्यक्ष जी खुद आए थे हॉल में और वो बता के गए हैं कि सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा। और आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन थोड़ा अच्छी रखिए, तो उसी तरह इंटरव्यू आधारित था। पहले होता था कि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछते थे फैक्चुअल, इस बार ऐसा कुछ नहीं था, लगभग सारे क्वेश्चन आपके बैकग्राउंड से ही हैं और सिचुएशनल हैं। अच्छा, सिचुएशनल कुछ करंट बेस? नहीं, करंट बेसिस पे कुछ नहीं पूछा था। कुछ क्वेश्चन सर डिस्कस करना चाहेंगे जो आपसे पूछे गए, नॉर्मली याद आ रहे हैं उसका जो? नहीं, जैसे पूछा था कि आप ग्रामीण इलाके से हैं तो आप वहाँ का विकास कैसे करेंगे, आप युवाओं को कृषि की तरफ कैसे आकर्षित करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन थे। कुछ करंट बेस पे क्वेश्चन? नहीं, करंट का कोई। हाँ, एक पूछा था, मतलब वो इलेक्शन का पूछा था, वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था, तो उसके बारे में पूछा था। केवल उन्होंने मतलब ओपिनियन लिया था कि आप क्या करना चाहते हैं, और लास्ट में एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन और पूछा था कि आप इंडिया का नाम भारत करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, तो इसको लेकर के प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा, अंदर जो पैनल कितने लोग रहेंगे, किसके बोर्ड में आप? मेरा प्रोफेसर अरिंद त्रिपाठी जी का। अरिंद त्रिपाठी जी के बोर्ड में था। जैसा कि सर इस बार पीसीएस 2023 का जो एग्ज़ाम था, चाहे प्रारंभिक परीक्षा रहा चाहे मुख्य परीक्षा, काफ़ी अच्छे चयनित लोग भी इस बार भी नहीं निकाल पाए थे, आपका सिलेक्शन हुआ है इस बार जो है, और इंटरव्यू तक भी आप पहुँचे हैं, तो आपने अपनी रणनीति स्ट्रेटजी क्या बना के रखी थी, कैसे आपने तैयारी करी, कोचिंग कहाँ करी थी आपने? सर मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी। अच्छा, मैंने घर स्टडी से घर। तो कैसे, क्या रणनीति थी सर? रणनीति कुछ नहीं होती, क्योंकि सर इस बार पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो जो नए छात्र आ रहे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हिस्ट्री का वेटेज होता है, तो लोगों को फोकस करना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना लें, और उसके बाद एंशियंट का उसके बाद वेटेज आता है, तो एंशियंट के भी शॉर्ट नोट्स बना लें, उसके लिए घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि हम पूरी रिवाइज कर नहीं सकते, तो उसको कोशिश करें कि 20 पेज में कंसाइज नोट्स बन जाए। और फिर उसके बाद आता है मैपिंग का पोर्शन ज्योग्राफी में, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी कुछ पूछेंगे नहीं, तो आप मैपिंग पढ़ लीजिए, पॉलिटी आप अच्छे से कीजिए, और पीवाईक्यू पे फोकस करिए, और इकोनॉमी के एक भी सवाल नहीं रहते, तो बेसिकली यही रहता है। अच्छा, तो अभी बहुत कम दिन बचे हैं पीसीएस 2024 के लिए, अभी वो क्या अपनी तैयारी में कर सकते हैं? अभी वो सब चल रहा है, फरवरी और मार्च में 17 पेपर है, बस वो चार चीज़ कर लें, मैं अश्योर करता हूँ कि उनका हो जाएगा। पहला तो वो पीआईक्यू अच्छे से रट डालें, पिछले 20 साल के लगभग, केवल यहाँ पीएससी के और कहीं के नहीं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि हिस्ट्री पे मेजर फोकस रखें, पॉलिटी पे फोकस रखें, और करंट अफेयर्स पे, बस ये चार सेक्शन अगर कवर हो जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। चलिए सर, बहुत कीमती समय आपने दिया, इस बार आपका सिलेक्शन जरूर एसडीएम पर हो। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और रणभर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए, ऐसे ही टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियोज भी आप सभी लोगों के पास पहुंचते रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।